क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में हमें दे रखा है ए मैट्रिक्स दे रखी है एंड ए प्लस ए डैश इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज अब एग्ज़ाम के अंदर ऑप्शन ना देकर डायरेक्ट भी क्वेश्चन दे सकते हैं तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करने हैं तो यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमें ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स सॉल्व करना है तो तो ए मैट्रिक्स है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फ़ा कॉस एल्फा अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो रॉ की कॉलम और कॉलम की रॉ बना देंगे तो ये हो जाएगा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा ओके अब ए प्लस ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव करना है तो ए मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फ़ा कॉस एल्फा इसमें ऐड करना है ए ट्रांसपोज जिसके एलिमेंट हैं कॉस एल्फा साइन एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फा इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं वन ज़ीरो ज़ीरो वन ओके अब इन दोनों को इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज़ टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये माइनस प्लस साइन अल्फा से कैंसिल हो गया तो ये हो गया ज़ीरो फिर ये भी कैंसिल बिकॉज ये साइन प्लस का है ये माइनस का साइन अल्फा तो ये भी कैंसिल इसका आ गया ज़ीरो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स ओके अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे जो जिस पोजीशन पे एलिमेंट है उससे ही कंपेयर करते हैं तो टू कॉस एल्फ़ा इज इक्वल टू वन को हम कंपेयर करेंगे ओके okay? तो कॉस एल्फा इज इक्वल टू ये टू यहाँ मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा कॉस की ये आ गया कॉस एल्फ़ा इज इक्वल टू वन बाय टू तो वन बाय टू पर कॉस की वैल्यू होती है पाए बाय थ्री ओके तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर जिसमें हमें दिया है पाए बाय थ्री तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई पाए बाय थ्री